एवरीवन, मैं किरण आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम फिर प्रेजेंट हैं आपके सामने एक नए चैप्टर के साथ जो कि क्लास थर्ड का है। चैप्टर है 6 और वचन जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं नंबर। नंबर मीन्स वचन। हाँ, वचन की बात हो रही है यहाँ पे। तो वचन है क्या? जिस शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चलता है उसे हम कहते हैं वचन। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चलता है उसे हम कहते हैं वचन। यहाँ पे कुछ पेड़ बने हुए हैं। यस, एक पेड़ है, एक, और यहाँ पे अनेक है ना। मीन्स अगर हम कह सकते हैं कि एक पेड़ की यहाँ बात कर रहे हैं और यहाँ एक से अधिक पेड़ हैं तो अनेक हो गए। तो वहीं पे यहाँ कह रहा है कि उसके एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। यह है तो वचन, मीन्स नंबर की बात हो रही है, लेकिन नंबर में भी ये एक है और ये अनेक है। तो इसी को आपने देखा होगा अपने आसपास, इतनी ढेर सारी चीज़ें होती हैं उसी को आप कैटेगराइज करेंगे इसको वचन के रूप में। वचन किस तरह का? मीन्स अगर हम जैसे ये हुआ क्यों, किस लिए? हमारी चीज़ों को इजी करने के लिए। मान लीजिए अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो हम बात करते हैं कि अच्छा वो व्यक्ति जो है वहाँ पे बहुत शरारत कर रहा था। वो व्यक्ति मीन्स एक से अधिक था। अब हम सबका नाम लेके बताएंगे, सरिता, मीना, मुकेश, राकेश, ये वो, कितना लंबा हो जाएगा, जिससे हम कहेंगे वो भी बोर हो जाएगा, भैया कितने लोगों की ये बात बोल रहा है। और इजीली हम यही कह दें कि वो जितने लोग थे वो लोग शैतानी कर रहे थे बहुत ज़्यादा, तो वो लोग, अब इतने में ही हमने जितने लोगों का नाम लिया वो सारे इसमें आ गए। तो इसीलिए इसको वचन को छोटे से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, बहुत लेंदी ना हो, इस वजह से इसको कैटेगराइज करके आपको एक वचन और बहुवचन की बात कह दी गई है। एक वचन और बहुवचन, जैसे कि हिंदी में वचन कितने होते हैं? हिंदी में वचन दो होते हैं, एक वचन, दूसरा है बहुवचन। एक वचन और बहुवचन, ठीक है। आगे हम देखते हैं, हिंदी में वचन दो होते हैं, हमने जैसे आपको बताया कि एक वचन और बहुवचन, पर एक वचन और बहुवचन को थोड़ा विस्तृत रूप में देख लेते हैं। एक वचन, शब्द के जिस रूप से वस्तु या प्राणी के एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं, ठीक है। शब्द के जिस रूप से वस्तु या प्राणी के एक होने का पता चलता है उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे पुस्तक, मुर्गी, स्त्री। अगर हम पुस्तक की बात करेंगे तो एक पुस्तक की हम पुस्तक बोल रहे हैं, मीन्स एक ही होगी। अगर हम मुर्गी की बात करेंगे तो एक ही मुर्गी होगी, और अगर हम स्त्री की बात कर रहे हैं तो एक ही स्त्री की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक होने का पता चलता है, सिर्फ एक होने का। वहीं पे बहुवचन की जब हम बात करते हैं, शब्द के जिस रूप से वस्तु या प्राणी के एक से अधिक होने का पता चलता है, एक से अधिक होने का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। जैसे पुस्तकें, मुर्गियां, स्त्रियां। यहाँ पे जब हम एक की बात कर रहे थे पुस्तक, और जब हम बहुवचन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पुस्तकें हो गई। जब हम यहाँ पे एक मुर्गी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जब बहुवचन में है तो मुर्गियां हो गई। उसी तरह जब यहाँ पे हम एक वचन में स्त्री की बात करते हैं तो वहाँ बहुवचन में स्त्रियां, मतलब एक से अधिक स्त्रियां हो गई। तो यही भिन्नता है एक वचन और बहुवचन में। अब अगर हम एक वचन और बहुवचन की बात कर रहे हैं तो इसी चीज़ों को थोड़ा सा एग्जांपल, जैसे अगर हम बात करें उस जैसे एक कुछ शब्द ले लेते हैं, वधु, एक दुल्हन की बात कर रहे हैं वधु, और जब वधुएं हो गई तो एक से अधिक दुल्हनें हो गई, ठीक है। ऐसे ही हम कुछ और शब्द का एग्जांपल लेंगे, जैसे मान लीजिए हम लड़का की बात कर रहे हैं, लड़का, और जब हम लड़कों की, लड़के बोल दिए, एक से अधिक हो गए। वैसे ही हम अगर हम बात करें मोर की, एक मोर, लेकिन मोरनी की बात करें, मोर, मोरनी, तो ये अलग अलग करके ज़्यादा की बात हो जाती है। वैसे ही अगर हम बात करें कि एक माता की बात करते हैं, मतलब एक माँ की, एक, और माताएँ एक से अधिक हो जाती हैं,
हाँ, वैसे ही अगर हम पिता की बात करें, पिता पिता फिर इसका बहुवचन क्या होगा? पिता ही होगा, पिताएं नहीं हो जाएगा, होगा? अगर होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें इस बात बताएं कि क्या ये सही है, पिता होगा कि पिताएं होगा, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, तो ऐसे जो चीज़ें हैं वो आपको समझ में आनी चाहिए कि एक वचन और बहुवचन को बहुत ज़्यादा नहीं है, एक वचन और बहुवचन को बस एक उंगली की बात कर की गई है, और जब हम एक जब ये इस पूरी फिंगर की बात कर देते हैं तो ये बहुवचन में हो जाएगा, ये एक वचन में हो जाएगा। तो ईजिली आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, आप अगर एक चॉकलेट की ही बात कर लीजिए, एक चॉकलेट और फिर चॉकलेट्स ढेर सारी हो गई। ठीक है, तो इसी तरह से आप बहुत सी चीज़ें ऐसे ही इजिली आप अपने आसपास में सीख सकते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। वचन और बहुवचन के कुछ उदाहरण देख लेते हैं जो हमारे समझने में और आसानी कर देगी। जैसे पुस्तक, एक पुस्तक की बात हो रही है पर अनेक पुस्तकें हो जाएंगी तो पुस्तकें हो जाएंगी। जब बच्चे की बात करते हैं यहाँ पे एक बच्चे की बात है, लेकिन जब बच्चे हो जाएंगे, यहाँ बच्चा है यहाँ बच्चे, मतलब एक से अधिक बच्चे की बात कर रहे हैं हम। जब यहाँ कपड़ा है, एक कपड़े की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम कपड़े बोल रहे हैं तो एक से अधिक कपड़े हो गए। रात है, मतलब नॉर्मल रात की बात कर रहे हैं, लेकिन कई रातों की बात कर रहे हैं तो एक से अधिक रातें हो जाएंगी। ऐसे ही रोटी है, अगर हम एक रोटी की बात करते हैं तो नॉर्मल रोटी बोलेंगे, लेकिन रोटियां एक से अधिक रोटियां हो गई तो यहाँ रोटियां हो जाएंगी। मिठाई, एक मिठाई की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ एक रहेगा, लेकिन अनेक मिठाइयों की बात करते हैं तो मिठाइयाँ हो जाएंगी। ठीक है, तो आई होप इसको आपको समझ में आया होगा। अब हम कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। जैसे कुछ शब्दों का हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होता है, कुछ शब्दों का हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होता है। जैसे पानी, जनता, भीड़ आदि, ये हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होता है। अगर हम पानी की बात करें, जनता की बात करें, भीड़, लेकिन जनता और भीड़ आपने देखा होगा कि ये नॉर्मली एक ग्रुप होता है, भीड़ वाली जगह होती है, लेकिन तब भी हम इसे एक वचन में ही प्रयोग करते हैं। कुछ शब्दों का हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होता है, कुछ शब्दों का हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होता है। जैसे आँख, दर्शन आदि, ये शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। बहुवचन, अब आँख देखिए दो ही है हमारी, लेकिन यहाँ पे बहुवचन में ही प्रयोग होता है। दर्शन, हम हमेशा मंदिर में दर्शन करने आते हैं या किसी और दर्शन की भी बात करते हैं तो वहाँ पे भी हमेशा बहुवचन का ही होता है। ठीक है, ये शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं, और ये शब्द जो पानी, जनता, भीड़ है, ये हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होते हैं। अच्छा, आदर देने के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग होता है, आदर देने के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे दादाजी बैठ जाइए, हमेशा बहुवचन का प्रयोग होता है। पंडित जी आ जाइए, हमेशा बहुवचन का प्रयोग होता है। ऐसे ही कई बार वचन में संज्ञा और क्रिया का रूप बदल जाता है, कई बार वचन में संज्ञा और क्रिया का रूप बदल जाता है। जैसे घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़ा दौड़ रहा है, तो यहाँ पे घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़े दौड़ रहे हैं, घोड़े घोड़े दौड़ रहे हैं। यहाँ पे क्या हुआ है, वचन में संज्ञा और क्रिया का रूप बदल गया है। संज्ञा घोड़ा और क्रिया दौड़, जो घोड़ा है, घोड़ा संज्ञा हो गया क्योंकि ये नाम है घोड़ा, ये जानवर का नाम है इसलिए ये संज्ञा हुआ, और दौड़ना उसकी क्रिया है। तो क्या होगा, वो कई बार वचन में संज्ञा और क्रिया का रूप बदल जाता है, तो बदल के क्या हो जाएगा, घोड़े दौड़ रहे हैं। ठीक है, एक वचन से बहुवचन बनाते समय ई तथा ऊ की मात्रा बदलकर ई तथा ऊ हो जाती है। मीन्स कौन सा, एक वचन बनाते वक्त ई तथा ऊ
बदल कर ई तथा ओ, कौन से ई तथा, ये ई और ऊ हो जाते हैं। तो बड़ा ई और बड़ा ऊ बदलकर छोटा ई और छोटा ऊ हो जाते हैं, ठीक है। बड़ा ई और बड़ा ऊ बदलकर छोटा ई और छोटा ऊ हो जाते हैं, जैसे दवाई दवाई, ये इसका हो जाएगा दवाइयां, क्या हो जाएगा दवाइयां। देखा आपने ई चेंज हुआ, बड़ी ई चेंज हो गई छोटी ई में, वैसे ही वधु, वैसे ही वधु और हो जाएगा वधुएं। तो यहां पे भी क्या हुआ, बड़ा ऊ चेंज हो गया छोटा ऊ में। तो आपको यही चीजें थोड़ी सी याद करनी है और आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको ये हमारा चैप्टर और पढ़ाने का तरीका पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।